हेलो गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था और एग्जाम ही है, हमारा प्रैक्टिकल सेशन चल रहे थे प्रैक्टिकल के। तो अभी हम लैब में थे और प्रैक्टिकल देख के हम बाहर आ रहे हैं। तो आसिफ भाई और भास्कर भाई का वाइवा तो हो गया, बट अभी मेरा नहीं, और मैं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा वाइवा है अभी। तो काफ़ी टाइम से हम खड़े थे, थक भी गए हैं क्योंकि हम लैब में खड़े ही रहते हैं। तो वैसे ही प्रैक्टिकल अभी और दो बजे एक और हमारा एचईपी का प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। तो आपको लैब के अंदर का व्यू दिखाएंगे कि कैसे बच्चे अंदर प्रैक्टिकल बनाते हैं या कैसे खा देते हैं। आज लैब के अंदर जब प्रैक्टिकल चल रहा हो तब क्या होता है, तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करो और हम आपको लेके चलते हैं अब सीधा लैब के अंदर कि वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, बच्चे या कैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं या क्या सब करते हैं बच्चे लैब में। हाँ तो गाइस, अभी हम अपने लैब में जा रहे हैं, हमारा लैब स्टार्ट हो रहा है। तो चलो आपको, एचईपी का लैब है हमारा, तो मैम अंदर जा रहे हैं, तो बच्चे भी काफ़ी अंदर जा चुके हैं अभी तक। तो चलो हम आपको लेके चलते हैं लैब में कि लैब में कैसे क्या हो रहा है। तो बाकी तो 4 बजे तक लैब रहेगी हमारी, तो वो तो हमारी बुरी हालत होगी अंदर बैठ के, बैठना भी नहीं, खड़े रह के, तो वो तो खड़े ही रहना होता। अभी दो घंटे हमने खड़े रहना है। तो चलो अंदर लेके चलते हैं आपको कि लैब में कैसे क्या हो रहा है। हाँ तो गाइज, अभी हम अपने लैब में जा रहे हैं, लैब की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो गाइज, अभी हम प्रैक्टिकल देके बाहर आ गए हैं क्योंकि आज हमारे 2 प्रैक्टिकल थे, तो सुबह से शाम तक हमारा आज प्रैक्टिकल चल रहा था। तो फाइनली आज हम प्रैक्टिकल देख के खत्म कंप्लीट करके बाहर आ रहे हैं। और ये बाकी जो जितने दिख रहे हैं आपको, ये सब अपने फ्रेंड्स हैं, तो ये बोल रहे थे कि एक शूट हमारे साथ भी कर दो, तो इसीलिए इनके साथ आए हम, तो शूट कर रहे थे। तो ये है कि जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता यार, अभी आ रहे हैं सेशनल दे के, सुबह से सेशनल दे रहे हैं, सेशनल दे रहे हैं यार, सुबह से 10 बजे से अभी तक कैसे अच्छा जाएगा। खड़े खड़े यार, टांग पूरा दर्द कर रहा है। नमस्ते सर जी, ठीक है, चलो। हाँ तो गाइस, अभी हम अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सुबह से काफी थक गए थे हम, तो टांगे बहुत ज्यादा दर्द करें क्योंकि हम सुबह से लैब में खड़े थे, तो ब्रेक हमें बीच में मिली नहीं, तो हम सिर्फ खाना खाने आए हुए थे, खाना खा के ही निकल गए थे क्योंकि हमारे 2 सेशन थे, एक सुबह में और शाम में था। तो अभी फाइनली हम अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, तो अभी जाके रेस्ट करेंगे, तो कुछ फाइल्स भी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे जाके। तो फिलहाल तो आज में इतना ही, बट अभी थोड़ी देर के बाद मैं और आसिफ आपसे मिलेंगे, तो क्योंकि वीडियो का एंड करना है अभी हमने, तो अब हम आपसे रूम के अंदर जाके मिलते हैं, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। हाँ तो गाइज, फाइनली अभी हम अपने हॉस्टल में पहुँच गए, तो अंदर काफ़ी गर्मी थी इसलिए हम थोड़ा साइड पे आए हुए हैं। तो आसिफ भाई कुछ बोले आप। आराम करेंगे, लोग बहुत थक गए, लोग प्रैक्टिकल बहुत दिखना था और बहुत देर से हम लोग खड़े थे आज, तो सुबह से, क्योंकि हमने सोचा नहीं था, ये तो पता था कि हमें 2 प्रैक्टिकल होंगे, बट हमें इतना नहीं सोचा था कि इतनी देर तक हमारे प्रैक्टिकल चलेंगे।
और फाइनली ख़त्म तो हो गया है, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे और कुछ फाइल्स भी कंप्लीट करने के लिए, वो भी कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। तो कॉलेज का कुछ आज तो हम उतना कुछ खास शूट कर नहीं पाए, बट वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी, बट उसके लिए सॉरी। बट आज के व्लॉग में बस इतना ही, अब हम आपसे कल के पार्ट में मिलते हैं। कल भी हमारा सेशनल है, दो सेशनल है कल भी हमारे, तो अब कल मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करें, कल शाम को आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। और रात को तो हमने प्रैक्टिकल लिखना, अभी काफ़ी टाइम है, बट तब हमें शूट करने टाइम नहीं होगा, इसलिए हम वीडियो का एंड अभी कर रहे हैं। हम आपसे कल आके मिलेंगे, तब तक रहे वीडियो के लाइक कर दें, शेयर कर दें, हंसते रहें। तो सी यू, बाय बाय। हाँ तो गाइज, मैं अभी अपने रूम में बैठा हुआ था, तो मेरा मन करता शूट करने का कि थोड़ा सा शाम को ही शूट कर लेंगे, तो हमने वीडियो का एंड तो पहले ही कर दिया था, बट अभी मन कर रहा था शूट करने का, इसलिए मैं निकल गया। तो मैं जा रहा हूँ अभी आसिफ भाई के रूम पे कि आसिफ भाई क्या कर रहे हैं, तो आपको जाके दिखाते हैं कि अभी रूम में क्या चल रहा है उनके, या क्या कर रहे होंगे। तो अभी निकला, तो चलो अभी आपको लेके चलते हैं अभी आसिफ भाई के रूम पे, देखते हैं क्या कर रहे होंगे यहाँ पे रूम पे बैठ के क्या कर रहे हैं। हाँ तो गाइज, मैं आसिफ भाई के रूम पे पहुँच गया हूँ। तो ये अभी अपने दानिश भाई सो रहे हैं, और ये अपने रजी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो और रजी भाई, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है ना? क्या कर रहे थे? तो ये अपने रजी भाई हैं, तो ये दिन को भी अपने साथ ही थे, तो दिन को भी इनकी वीडियो जो है इन्हें बोला हुआ था हमारे वीडियो के लिए, तो वो हमने डाला हुआ है, तो इनसे तो आपकी मुलाकात दिन को भी हुई थी। तो ये अपने दानिश भाई हैं, तो ये अभी बिजी है, फोन पे गेम खेल रहे हैं, अभी इनकी पबजी चल रही है, तो ये शाम के टाइम पे हमेशा पबजी ही खेलते हैं। तो ये पबजी के काफ़ी ज़्यादा शौकीन है, और कोई हमारा फ्रेंड जो हमें हमारी वीडियोस देखता और कोई पबजी का फैन है, तो वो इनसे आके जरूर मिले, मैं खासकर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, इनसे आके मिले और इनके साथ पबजी आके खेलें। तो ये अभी हम आसिफ भाई के पास आए हुए हैं, तो आसिफ भाई पढ़ रहे हैं आज, तो ये सेशन की तैयारी कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल कुछ हमें, मैंने इनको भी कहा था कुछ बनाने के लिए रह गए थे, तो वो उसी पे प्रैक्टिकल की तैयारी चल रही है अभी। तो आसिफ भाई तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की लिख रहे हैं, तो इनको भी लिखने के राय, मुझे भी लिखने के राय, बट हम रात को अब साथ बैठ के लिखेंगे। तो ये अभी सब फिलहाल चल रहा है। तो तुम तीनों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा हमारे हमारे ब्लॉग के लिए? तो ये बोले दानिश, ये अपने कैब भाई कुछ बोलेंगे? हाँ हाँ, तो हमारे आसिफ भाई ने बोला हुआ कि कुछ कोई शायरी हो जाए, तो शायरी करने कुछ शायरी सुनाएंगे आज हमें। तुझे पता भी है मैं तुझसे कितना प्यार करता था? नहीं ना, तो सुन। अरे तुम ही निष्कर्ष निकलती थी मेरी पूरी सोच का, तेरे लास्ट सीन चेक करते रहना मेरा काम था रोज का। अब जब तेरे फोटोज डिलीट किए तो पता चला तेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी डार्लिंग मेरे फोन पे बोझ था। तेरे चक्कर में अपने दोस्त आसिफ को डांट देता था, तेरा कॉल आता था मैं माँ का फोन काट देता था। तेरे फरेब को, तेरे धोखे को मोहब्बत का नाम देते रहे। हिचकिया माँ लगाती थी हम तेरा नाम देते रहे, हिचकिया माँ लगाती थी हम तेरा नाम देते रहे। पर यार जो भी हो, ये सबक सिखाने के लिए सदा तेरा उपकार। अब अपनी ये शकल मत दिखाना अगली बार, क्योंकि भाड़ में गई तू और तेरा प्यार। लेट्स स्टार्ट स्टडी। वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। कैसा लगा? तो हमें काफी अच्छा लगा इन्हें जो भी बोला हमने, तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये अपने दानिश भाई को चुप बैठे तब से, ये कुछ बोली इन्हें, वाह वाह भी नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। तो चलो कोई नहीं सर, तो होता है, ये अभी थोड़ा बिजी है। तो हाँ तो गाइस, वीडियो का एंड हमने पहले ही कर लिया था, तो अभी मुझे मन करता शूट करने के इसलिए आया था, मैं आपको पहले बता दिया, तो इसलिए वीडियो को हम एंड फिर से कर रहे हैं। तो अब हम बैठ के यहाँ पे सेशन की, कल के सेशन की तैयारी करेंगे। तो अभी खाना खाने भी जाना हमने, तो उसके बाद बैठ के हमने सेशन लिखने भी हैं, जो प्रैक्टिकल हमारे बच्चे पेंडिंग रहे हैं, तो वो भी हमने कर रहे हैं, वो भी हमने कम्प्लीट करने हैं, और सेशन की कुछ तैयारी भी करनी है। तो ये हमारे कैब भाई थे जो हमने आपका जो जिनने आपके सामने कुछ बोला, कोई शायरी बोली, तो हमें तो काफ़ी पसंद है, अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट करके बता देना। तो तब तक के लिए हम अब से कल के ब्लॉग में मिलेंगे, तो अगर आपको शायरी की पसंद आ गई होगी, अगर चाहते हैं कि और शायरी करें तो आप हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे कल के ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।